हाँ दोस्तों, डेली रन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडोब इंडिज़ाइन की फ़ाइल में फुटनोट कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने एक फ़ाइल पहले से खोल रखी है। अब हमें इस फाइल के पैराग्राफ के अंत में कुछ फुटनोट डालने हैं। तो हम जहां पर हमें फुटनोट डालना है वहां पर अपने माउस का को रखकर उस पर राइट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट फुटनोट, और जैसे भी यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो एक नीचे पेज के नीचे एक ऑप्शन बना जाता है। इसमें हमें उस पैराग्राफ के बारे में जो भी कुछ लिखना होता है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं या उसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसे ही किसी शब्द के बारे में हमें कुछ रेफरेंस देना है या उसके पीछे फुटनोट डालना है तो उस शब्द के लास्ट में हम अपना कर्सर रखकर और राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट फुटनोट। जैसे करते हैं तो हम उस शब्द के बारे में या उस पैराग्राफ के बारे में उसके कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस तरह अपनी फाइल के अंदर फुटनोट लगाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने फुटनोट तो लगा दिया है, जो हमारा फुटनोट का रेफरेंस है वो हमें पता नहीं लग पाता कि हमने अपना फुटनोट कहाँ पर लगाया है। तो उसके लिए हम जैसे हमारा जहाँ पर रेफरेंस बना हुआ है फुटनोट का उस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गो टू फुटनोट रेफरेंस। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जोन से हम फुटनोट का हमें रेफरेंस चाहिए, जैसे पहले फुटनोट का हमें रेफरेंस चाहिए कहाँ पे फुटनोट हमारा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो टू फुटनोट रेफरेंस कर देंगे। तो ये पता लग जाएगा कि हमारा पहला फुटनोट कहाँ पर डाला हुआ है। इसी तरह हम दूसरा फुटनोट भी चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरे पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर गो टू फुटनोट रेफरेंस करेंगे, तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि हमारा दूसरा फुटनोट कहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम अपनी फाइल के अंदर एडोब इंडिज़ाइन में फुटनोट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।